सो हेलो फ्रेंड, कैसा है आपका? सब बड़े हो गए? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाडली बहना की पात्रता, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले। तो अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और अभी तक आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। ये है उसका मोबाइल नंबर। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट और आपको हम बताएंगे कैसे आप लाडली बहना की पात्रता, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं। तो सिंपली गाइज, यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्या है, पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना राज्य के महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आर्थिक सहायता योजना है, ठीक है गाइज। महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये योजना जो है महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वह हर पात्र महिला बैंक खाते में हर महीने, मतलब जो भी महिला पात्र होंगी इस योजना के लिए, उनके खाते में हर महीने 1250 रुपये ट्रांसफ़र करे जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। तो गाइज 1250 मिलने वाला, और इसकी पात्रता जानते हैं। जैसे कि पहली लाइन पढ़ते, केवल मध्य प्रदेश की निवासी महिलाएं इस योजना का रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगी। तो पहले आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना होगा, ठीक है गाइज। सेकेंड पढ़ते हैं, 1 जनवरी 2023 को आवेदिका की आय 21 वर्ष और 60 वर्ष के कम होनी चाहिए, मतलब 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। योजना के तीसरे चरण में आवेदिका महिला का विवाहित होना अनिवार्य नहीं, मतलब अगर आप लड़की हैं, विवाहित नहीं है, अगर आपकी एज 21 प्लस है तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई पात्रता। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के निम्न माध्यम वर्गीय परिवारों बहनों के लिए लागू है। लाभार्थी के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 एकड़ से कृषि भूमि अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बार ट्रैक्टर रखने वाले परिवारों की बहनों भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, मतलब जिसके पास ट्रैक्टर है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए इसकी आय, ठीक है गाइज। जो महिला पहले से ही अन्य पेंशन योजना से लाभ प्राप्त कर रही हैं, ठीक है, अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, वे लाडली बहना योजना फॉर्म के लिए पात्र नहीं है, मतलब अपात्र। अगर आप पेंशन ले रहे हो तो आप पात्र नहीं हो, अपात्र हो, ठीक है। और अगर आप विवाहित नहीं हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। योजना 3.0 फॉर्म के लिए पात्रता, केवल मध्य प्रदेश निवासी महिला इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र है। 1 जनवरी 2023 को आवेदिका की 21 वर्ष और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें आवेदिका का विवाह होना अनिवार्य नहीं है, अगर आप लड़की हो, विवाहित नहीं हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कहाँ फॉर्म फिलअप होगा? तो मैं गाइज आपको बता दूं, गाइज ये पंचायत के कैंप में आवेदन पत्र भरने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं, आप कहीं खुद से नहीं भर सकते हो, आप कहीं ऑनलाइन नहीं भर सकते हो, किसी कैफे से फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये मैं बता दूं, अगर आप शहर से हो, पहले शहर से शुरू करते, अगर आप शहर से हो, नगर निगम, आंगनबाड़ी या फिर कहीं आपके आसपास जहां कैंप लगा है वहां फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं रूरल गांव की ओर। जैसे कि गांव का है तो आपकी जो सेक्रेटरी हो गया, सचिव हो गया, फिर ग्राम पंचायत हो गया, जनपद पंचायत हो गया, ठीक है, या फिर गांव में जहां भी कैंप लगा है वहां फिलअप कर सकते हो, ठीक है। आप कहोगे ऑनलाइन कहा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, फिर ऑनलाइन ही भरेगा, बट जो सहायक सेक्रेटरी होगा या फिर ग्राम पंचायत को जो भी अधिकारी होगा वो खुद ऑनलाइन आपका फॉर्म भरेगा, कहीं ऑनलाइन कैफे से नहीं भरेगा, वो आपको ऑनलाइन भरेगा। अगर आपका शहर का होगा तो नगर निगम या फिर आंगनबाड़ी कैंप, जहां भी आपके लाडली बहना का फॉर्म भर रहा होगा वहां ही ऑनलाइन भरेगा, किसी कैफे से नहीं भरेगा। तो आप कैफे वालों को परेशान मत करो, आप खुद जाओ ऑनलाइन भरवा लो, ठीक है, अपने नगर निगम या फिर जहां भी आसपास कैंप लगा वहां से जाके भरवा लो, ठीक है गाइज। तो इसमें डॉक्यूमेंट तो आप जान ही गए होंगे, यहाँ पे लिखा है आवश्यक दस्तावेज, ठीक है, जैसे समग्र आईडी हो गया, आधार नंबर हो गया, आधार से लिंक हुए बैंक खाता जिसमें डीबीटी सक्रिय होनी चाहिए, ध्यान रखना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय होना चाहिए, इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर ये जरूरी है, ठीक है, ये 3-4 चीज जरूरी है आपको, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ऑनलाइन अप्लाई भी पंचायत में कैंप के जरिए होगा, यस गाइज, ग्राम पंचायत कार्यालय या कैंप स्थल में ही ऑनलाइन आवेदन किया जाए, किसी कैफे से नहीं किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना आपको अपने आवश्यक दस्तावेज ले जाना है, आपके कैंप या फिर जो भी आपके नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत है वहां लेके अपना दस्तावेज चले जाओ, आधार कार्ड, समग्र आईडी और
आपको बैंक खाता का लेके जाना है, ठीक है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, सभी अपने आवश्यक दस्तावेज, वो ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, किसी ऑनलाइन कैफे से नहीं होगा, ये ऑनलाइन आपके ग्राम पंचायत या नगर निगम या फिर कैंप से होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि योजना क्या है, ठीक है, तीसरी योजना क्या है, लाडली बहना 2.0 कोई नई योजना नहीं थी, सीएम लाडली बहना योजना के दूसरे चरण में पंजीकरण प्रक्रिया इस तरह 3.0 योजना का तीसरा चरण है। लाडली बहना 3.0 सितंबर 2023 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में शुरू होगा। योजना का फॉर्म सितंबर के अंत में भरा जाएगा, तो लास्ट सितंबर चल रहा है, कहीं आपके आसपास भरना शुरू हो गया, मेरे यहाँ तो शुरू हो गया, मेरे यहाँ कैंप लगने भी लगे और भरने भी लगे, आप अपने आसपास पता कर लो, ठीक है। लाडली बहना योजना 3.0 फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की 3.0 चरण सितंबर 2023 के महीने में शुरू होगा, ठीक है। तो जान गए होगे, सितंबर के जो है लास्ट अंत में शुरू होने वाला है सितंबर के, तो आप भी आसपास अपने पता कर लो क्या आपके आसपास शुरू हो गया है कि नहीं। तो ध्यान रखना गाइज, मैं आपको इस योजना के बारे में एक और बता देता हूँ। पहले क्या होता था, 21 से 60 वर्ष की महिला भर पाती थी जो विवाहित हैं, बट अब हो गया है तीसरे चरण में कि 21 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा लाडली बहना योजना का लाभ। यदि आपने आवेदन किया है तो आधिकारिक वेबसाइट्स में जाकर आप अंतिम सूची देख सकते हो। बट अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है और आपको 21 प्लस हो, ठीक है, और आप अविवाहित हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप विवाहित हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। बट गाइस, अब बहुत सारे लोग मेरे से यही सवाल कर रहे थे क्या हम लड़की हैं तो भर सकते हैं, तो गाइस सभी ध्यान रख लो, अगर आप विवाहित नहीं हो तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ये नया चरण आया है, इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, जाके फॉर्म को अप्लाई कर दो, ठीक है गाइस, अपने ग्राम पंचायत या फिर जहाँ आसपास कैंप लगा है। तो गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है गाइज। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।